पावकानः सरस्वती पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि रामायण का जो पाठ सुनते हैं उनमें पात्रता क्या होनी चाहिए और जो निरंतर राम के रस में प्रीति रखते हैं, भक्ति संयुक्त होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, स एव कृत कृत्यश्च, तो वो ही आत्माएं मनुष्य जीवन को प्राप्त करके कृतकृत्य होती हैं और शास्त्रार्थ को विदह, शास्त्र के प्रयोजन को समझने में, कोविद माने विद्वान, वो ही शास्त्र के अर्थ को माने प्रयोजन को समझने वाले विद्वान होते हैं। विद्वान केवल मात्र उसको नहीं कहा है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, जानकारियां इकट्ठी करके और फिर आचरण में ना लाई, तो ये काम तो कंप्यूटर भी कर लेता है, कंप्यूटर में कितनी सारी जानकारियाँ हैं। तो ऐसे हमारे मस्तिष्क में हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, हमने कुछ गीता के श्लोक याद कर लिए, अष्टाध्यायी याद कर ली, सारे दर्शन भी याद कर लिए, उपनिषद भी याद कर लिए और हमें लगता है हम तो अब विद्वान हो गए। तो ये कह रहे नहीं, वो नहीं है, वो शास्त्र के अर्थ को नहीं जान रहे हैं। और किसी ने एक शब्द भी जान करके और उस अर्थ के वो गहराई में चला गया तो वो व्यक्ति ज्ञानी है, वो कृतकृत्य है, उसने शास्त्र के प्रयोजन को समझ लिया कि इसके लिए है शास्त्र, मेरे जीवन का परिवर्तन करने के लिए, मुझे जीवन में आनंद देने के लिए है शास्त्र। तो ऐसा ये रामायण का अर्थ बता रहे हैं कि वो व्यक्ति पात्र है जिसने इसके प्रयोजन को समझ लिया, नहीं तो फिर ये रामायण सुनना भी एक अच्छे मनोरंजन से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कुछ लोग मनोरंजन करते हैं शराब पी करके, कुछ करते हैं फिल्म देख करके, कुछ करते हैं खेल क्रिकेट देख करके, कुछ ऐसे हैं जो रामायण सुन के अपना मनोरंजन करते हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको नींद नहीं आती। मैं सुन रही थी एक दिन टीवी के ऊपर, एक माता जी बता रही, कोई पूछ रहे थे कथाकार, बोल जी यहाँ कथा में आने से आपको क्या क्या लाभ हुए बताओ। तो उन्होंने कहा, हाथ उठाया, बोले हाँ बताओ क्या, बोल जी मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आती थी और जब मैं कथा में आती हूँ तो मुझे 5-7 मिनट तो पता है आप क्या कह रही हैं, उसके बाद जब लास्ट में वो आरती होती है ना तभी मेरी आँखें खुलती हैं। मतलब वो रोजाना अपने 2-3 घंटे की नींद पूरी करके जाती हैं। तो ये भी प्रयोजन हो सकता है किसी का रामायण सुनने का। तो ये कह रहे हैं कि वो प्रयोजन नहीं है। तो आगे ये कह रहे थे, एवं सनत कुमारस्तु नारदेन महात्मना सम्यक प्रबोधित सत्य पराम निर्वृत्तिम मापहः। ये जो कथा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये नारद जी सुना रहे हैं सनत कुमार को। सृष्टि के आदि में सनत कुमार ऐसे ऋषि माने जाते हैं जो अपनी सनातन परंपरा के लोग हैं। जैसे हम ये मानते हैं ना कि भाई चार वेद चार ऋषियों से अभिव्यक्त हुए, अग्नि अंगिरा आदि, तो वो कहते हैं कि चार ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और वो उनको कुमार इसलिए कहा जाता है कि वो कभी बुजुर्ग प्रौढ़ नहीं होते, युवा ही बने रहते हैं। हमारे यहाँ भी यही मान्यता है कि वो युवा ही पैदा हुए थे, जो वेद के जिन्होंने अभिव्यक्त किया ना अंगिरा आदि ऋषि, वो युवा ही पैदा हुए, क्योंकि बच्चे के मन में तो आ नहीं सकता इतना ज्ञान, और बुजुर्ग हो गया तो फिर तो कुछ तो ज्ञान बढ़ना चाहिए, तो वो वैसे ही रहते हैं। तो इनका भी ये मानना है कि ये अमर हैं,
अब वो कहते हैं आज भी वो हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में, इस वाले पार्थिव शरीर में नहीं है, उनका तेजस शरीर है, दिव्य शरीर है, और जो कोई साधक उसका पात्र होता है उसको वो दर्शन देते हैं। और यही मान्यता नारद के विषय में, यही मान्यता हनुमान जी के विषय में है कि हनुमान जी ने शरीर नहीं छोड़ा था। जब राम आदि और पूरी नगरी जब सरयू में जाके जल समाधि ले रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि आप सृष्टि के कल्याण के लिए यहीं रहो, आप मत चलो। तो उनको अमरता का वरदान दे दिया था। तो ऐसे मानते हैं कि वो आज भी हैं, सूक्ष्म शरीर उनका आज भी है और वो सहायता भी करते हैं। तो ये कथा सनत कुमार ने नारद से पूछी कि कलयुग में कोई ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे सुनने से और जिसका आचरण करने से व्यक्ति को वही स्थिति मिल जाए जो परम तपस्या करके कभी ऋषियों ने प्राप्त की थी, क्योंकि आज की जनरेशन उतनी तपस्या नहीं कर पाएगी, उतना उनके अंदर नहीं है हिम्मत, ना शारीरिक है, ना मानसिक है, और ना इमोशनल है, भावनात्मक है, उतना नहीं है उनके पास। तो इन्होंने बताया कि ये जो कथा वाल्मीकि ऋषि ने एक श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में कही है, अब इसमें जो राम शब्द आता है ना, ये दो चीज़ों के लिए आता है। कभी कभी तो ये आता है दशरथ पुत्र श्री राम के लिए, और कहीं कहीं ये आता है ब्रह्म के लिए। तो मुख्य रूप से तो राम का अर्थ है ब्रह्म, मुख्य अर्थ जो है, और कभी कभी उस ब्रह्म के नाम पे भी तो कोई भी मनुष्य भी तो अपना नाम रख लेते हैं ना। जैसे भगवान का मुख्य नाम है ओंकार, हमारी वैदिक परंपरा में ओम, लेकिन उस ओम के ऊपर कभी मनुष्य भी तो अपना नाम रख लेते हैं ना। हमारे यहाँ तो दो तो सन्यासी ही हैं, स्वामी ओम देव जी, ओंकार देव जी, और हमने हमारे जो इस शरीर के पिता थे उनका नाम था ओम प्रकाश, और ऐसे भी बहुत लिख लेते हैं, ओंकार, ओम देव, ओम प्रकाश, ओम श्री, हमारी यहाँ बालिका है। तो उसके नाम पे कभी कभी मनुष्य भी अपने नाम रख लेते हैं। तो जो महाराजा दशरथ थे उन्होंने अपने पुत्र का नाम राम रखा हुआ, और वो राम इतने महान थे कि एक मनुष्य शरीर में रह करके आत्मा का कितना विकास हो सकता है वो उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। तो वो भगवान जैसे ही हैं, भगवान मतलब ऐश्वर्य वाले। तो इसलिए हमारे यहाँ तो तीन तीन भगवान को मानते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये सारे वो हैं कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करके उन्होंने इस मनुष्य शरीर की उन्नति की पराकाष्ठा को अभिव्यक्त किया अपने जीवन में, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। तो कुछ लोग इसमें प्रश्न पूछते हैं, बोल जी गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। वो कहते हैं कि मैं हर युग में आऊंगा, तो ऐसे क्यों कहा उन्होंने? तो ऐसे कोई योगी कह सकता है, क्यों नहीं कह सकता है? जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी आत्मा का पूरा विकास किया, अब ये बात स्वामी जी कह सकते हैं कि भाई जब जब देश में इस तरह की कोई वो होगी तो मैं हर युग में आके ऐसे ही काम करूंगा, तो कह सकता है व्यक्ति। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जैसे मैंने इस समय में आकर के कंस का नाश किया, ऐसे मेरी ये अंदर की अभीप्सा है कि जब जब भी यहाँ पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई पाप का वो फैलेगा तो तब तब मैं यहाँ आकर के सेवा करूँगा। तो कोई भी महानात्मा ऐसे सोच सकता है? तो बोले जी वो तो अवतार थे, तो सभी आत्माएं अवतार ही हैं। जिन आत्माओं को मनुष्य का शरीर मिल गया वो सब अवतार हैं, अवतार माने अवतरित हुई हैं, जो पृथ्वी के ऊपर तो सारे तो अवतरित हुए हैं। कोई उस अवतार को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर देता है, कोई उसको आधा कर पाता है, कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। जैसे मानो खेत में जो हम बीज बोते हैं, मानो हमने गेहूं का बीज बोया या सरसों का बोया, तो अब उसमें से कुछ बीज तो ऐसे हैं कि जिनका अंकुर ही नहीं फूटेगा, वो वहीं रह जाते हैं, कमजोर थे वो। कुछ ऐसे हैं अंकुर तो फूटा लेकिन वो पूरे विकसित नहीं हुए, उससे पहले ही किसी ने उनको मसल दिया या वो सूख गए, वहाँ पानी नहीं मिला, तो
तो वो ऐसे ही चले जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो इतने से होंगे, कुछ ऐसे हैं जो पूरे बड़े होंगे और उसके ऊपर पूरी फल फूल सब आएगा। बीज तो एक ही जैसे डाला था तो भी अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? कक्षा में आप सबको बराबर पढ़ा रहे हैं लेकिन सब बच्चे तो उनका लेवल एक जैसा तो नहीं है। कुछ ज़्यादा समझ जाते हैं, कुछ मीडियम, कुछ बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो ऐसे ही हम आत्माओं का भी है। जिन आत्माओं ने अपनी यात्रा को विकसित करने के लिए, उनके पास पहले से भी सामर्थ्य है और अभी भी जागरूक हैं, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं थोड़े समय में। उनका आत्मबल, उनका मनोबल, उनका भावनात्मक बल, उनका शारीरिक बल सब बढ़ जाता है। अब जैसे कोरोना फैला है तो जितने लोग संक्रमित हुए उनमें से कुछ ठीक हो गए, कुछ चल बसे। तो जो ठीक हुए हैं उनके लिए कोई दवा नहीं बनी अभी तक भी, कोई वैक्सीन नहीं है अभी। वो ठीक कैसे हुए? अपनी संकल्प शक्ति से कि भाई हो गए, भूल चूक से पता नहीं चला। अब सावधान रहेंगे, अब व्यायाम करेंगे, अब प्राणायाम करेंगे, अब ये वाला आहार खाएंगे। तो अपने आहार से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग करके, रोग निरोधक क्षमता को स्ट्रोंग करके ठीक हो गए। दवाई तो बनी नहीं अभी तक, तो ठीक हुए कैसे? इसी से ही ठीक हुए, यही दवाई है। कुछ चले गए, आगे भी यही होगा। तो इनको सुन के, शास्त्र आदि को, कुछ आत्माएं हैं जो अपना विकास कर लेते हैं तुरंत। वो मतलब अलर्ट हो जाते हैं कि भई ये तो दिन ऐसे ही बीते जा रहे हैं। जीवन के यदि 20, 30, 40 साल बीत गए ऐसे ही, तो ऐसे ही 20, 30 और बीत जाएंगे, जीवन खत्म। ये तो बड़ा तेजी से जा रहा है समय, तो कुछ तो उपाय करना चाहिए मुझे। ऐसे सोच के वो जैसे ही एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान उनकी तरफ चार कदम बढ़ाते हैं। भगवान तो तैयार ही बैठे हैं, उन्होंने सृष्टि बनाई ही इसलिए है कि मैं इन सब आत्माओं का कल्याण करूं। मतलब वो खाली पड़ा है मोक्ष वाला स्थान और रेलवे स्टेशन पे भीड़ हो रखी है। हीरे की डायमंड की दुकानें खाली पड़ी हैं, कोई जा ही नहीं रहा है। परचूनी वाली पे लाइन लगी हुई है, शराब वाली पे दुकान वो लाइन लगी हुई है, सब लोग उसी को पी रहे हैं, अच्छी चीज़ खा ही नहीं रहा है। ब्रांडेड चीज़ें जहाँ बिकती हैं वो दुकान खाली हैं, कोई जा ही नहीं रहा है। वो तो चाहते हैं खूब लोग आए, हम खूब दें उनको। तो हमें सुख शांति मोक्ष आनंद देने के लिए भगवान तैयार ही बैठे हैं, उसी के लिए तो सृष्टि बनाई, हमारे भोग अपवर्ग के लिए तो। लेकिन हम उसके लिए तैयार ही नहीं हैं। तो ऐसा ही होता है कि कुछ आत्माएं अपना विकास करके वो अवतारवाद को अभिव्यक्त कर लेती हैं, कुछ उसको अभिव्यक्त नहीं करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कोई अवतार उतरते हैं, उतरते तो सब अवतार ही हैं, अवतार ही हैं सारे, लेकिन कोई उसको अभिव्यक्त कर देता है, कोई नहीं कर पाता है। और जिन्होंने उसको, अवतारवाद को अभिव्यक्त किया, उनका जीवन आप देख लीजिए कितने संघर्षों से भरा हुआ है। वो कोई ऐसे थोड़े ना, मतलब कहीं एसी, कहीं कंडीशनर, उसमें रूम में वो रह करके और वो ऐसे विकसित हो गई। उनकी दिक्कतों को देखें तो हमारी दिक्कतें कुछ भी नहीं है उसके सामने। आज भी जब कभी हमारा मन परेशान हो तो आप देखेंगे तो आज भी हमारे से सैकड़ों गुना ज़्यादा दुखी लोग आपको संसार में मिलेंगे। अभी कोरोना के इस दौरान ही कितनी कितनी यातनाएं लोग सह रहे हैं, कितने कितने परेशान हैं। तो जब हम उनको देखेंगे तो हमें लगेगा कि भगवान जी उनकी सहायता करना, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास तो मतलब थोड़ी तपत भी नहीं आई है अग्नि की, वो तो झुलस रहे हैं बेचारे आग में। तो ऐसे हम सब उसको, उस अवतारवाद को, उस ऐश्वर्य को, उस भगवत्ता को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो दशरथ नंदन भगवान श्री राम हैं, इन्होंने उस मनुष्य शरीर में दैवत्व को कितना उतारा जा सकता है उसकी वो पराकाष्ठा तक गई। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये सोच सकता है कि ये जो आने वाली बाधाएं हैं ना, ये तो मेरे पथ का श्रृंगार है, ये ही मुझे आगे बढ़ाने वाली हैं। तो उसमें वो व्यक्ति घबराए नहीं। और कभी अनुकूलताएं आए तो बोले ये भगवान का प्रसाद है, तो इसमें मुझे फंसना नहीं है, मेरा लक्ष्य वही है। ऐसा जो व्यक्ति सोच के चलते हैं तो उनको फिर एक
ट्रिक मिल जाती है कि आगे बढ़ा कैसे जाता है। तो वो दोनों को ही भगवान का प्रसाद मानते हैं फिर, और दुख को ज़्यादा मानते हैं। कुंती माता ने मांगे थे ना भगवान जी से, उन्होंने कहा कि भगवान जी मेरे को, भगवान ने कहा कि बुआ जी आप भी कुछ मांग लो कोई वरदान। तो बोली मैं तो ये ही मांगती हूँ कि इस तरह के संघर्ष मेरे जीवन में आते रहें, क्योंकि जब जब संघर्ष आए तब तब मैंने भगवान को अनन्य भाव से पुकारा। अगर ये संघर्ष नहीं आते तो शायद मैं ऐसे नहीं पुकार पाती भगवान को। तो जो साधक होता है, जिसको जीवन में आगे बढ़ना होता है, जिसको अपनी आत्मा की शक्तियों का विकास करना होता है, वो तो ऐसे अवसर आने पे अपना सौभाग्य मानते हैं। श्री राम को वनवास हुआ तो राम तो बड़ी आसानी से उसको टाल सकते थे, वो युवक हैं, उनमें सारे गुण हैं, प्रजा उनको बहुत पसंद करती है, सम्राट बनने का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो कोई मतलब कोई बाधा ही नहीं है। वो तो 1 मिनट में अपने बाप को जेल में बंद करते दशरथ को और राजा बन जाते, और सारी प्रजा यही चाह रही थी। प्रजा तो रो रही थी कि आप कहीं नहीं जाएं, तो वो चाहते तो तुरंत सम्राट बन जाते, लेकिन वो सम्राट तो बन जाते लेकिन वो भगवान श्री राम नहीं बन पाते, फिर वो राजा रहते एक। इसलिए उन्होंने उसको पहचाना कि यही अवसर है जो मेरी आत्मा का विकास कर पाएगा, तो इसलिए वो उसको हंसते हंसते वनगमन किया उन्होंने। तो ये ही हमें बता रही है रामायण कि जो इस रामायण का जो ये अमृत है, इसके कथा अमृत के प्रयोजन को समझ लेता है सुनते सुनते, कथा सुनने का प्रयोजन क्या है, वो आत्मा कृतकृत्य हो जाता है। फिर जो उसको करना चाहिए था वो उसने कर लिया, और बाकी प्रयोजन नहीं समझा तो फिर ये एक इंजॉयमेंट से ज़्यादा और कुछ नहीं है। फिर ये एक मनोरंजन है, शास्त्र पढ़ना भी, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो ये कथा सुना रहे हैं नारद जी, सनत कुमार को सुना रहे हैं, और तो इसलिए कह रहे हैं तस्मा श्रृणुध्वं विप्रेन्द्र रामायण कथामृतम् नवाह्ना किल श्रोतव्यम सर्व पापैः प्रमुच्यते श्रुत्वा चैतन्महाकाव्यम वाचकं यस्तु पूजयेत् तस्य विष्णो प्रसन्नस्या श्रिया सह द्विजोत्तमाः वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वराः प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नात्र कार्या विचारणा। तो ये कह रहे हैं इसलिए, इसका काल भी बताया पहले कि ये कथा जो है या तो ये चैत्र मास में सुननी चाहिए, या तो माघ मास में सुननी चाहिए, या तो फिर कार्तिक मास में सुननी चाहिए। तो मुझे लगता है ये तीनों ही महीने जो हैं वो मौसम के हिसाब से भी शायद ऐसा विधान किया होगा कि जब ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, फसलें कट चुकी होती हैं तो लोग खाली भी होते हैं, तो ऐसे समय में यदि सुनेंगे तो सुनते हुए ना तो कोई मन में चिंता होगी ना कोई तन में परेशानी होगी। तो और 9 दिन का विधान किया, 9 का अंक सबसे बड़ा है, 9 के बाद तो वही संख्याएं दोहराई जाती हैं, तो इन्होंने कहा कि इसको 9 दिन में पूरा किया जाता है, और उसको सुनने से सब पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सुनने मात्र से तो नहीं होगा, सुना हुआ आचरण में भी लाने से मुक्त हो जाता है। और आगे कह रहे हैं कि जो ये सुनाने वाला है ना, वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, जो वक्ता होता है उसमें हमें ये भाव करना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति को निमित्त बना करके ये भगवान जी ही मेरे को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को कोई बात आप तक पहुंचानी है तो किसी व्यक्ति को तो निमित्त बनाएंगे ना। आपने जो प्रार्थना की थी उसका उत्तर देने के लिए भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाएंगे। तो ऐसा सुनने वाले को सोचना चाहिए सुनाने वाले के बारे में, और सुनाने वाले को ये सोचना चाहिए कि जो मैं सुना रहा हूँ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा नहीं है ये कुछ भी, मैं तो एक चैनल बन गया हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो उसको तो ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि भाई मैं सुना रहा हूँ, और सुनने वाले को ये भाव होना चाहिए कि ये कोई व्यक्ति मेरे को ये कोई बात नहीं कह रहा है,
साक्षात वाल्मीकि ऋषि ही आकर के या भगवान ब्रह्म ही मेरे को साक्षात ये बात कह रहे हैं, वही मेरे जीवन को ऊंचा उठाना चाह रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा वाच के प्रीति मापन्ने, जो इसका वाचक है कथा का उसके प्रति यदि आपके मन में प्रीति उत्पन्न हो गई तो समझ लो कि आपने ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रति ही प्रीति कर ली, माने उस ब्रह्म के प्रति ही आपने प्रीति कर ली उसके माध्यम से। क्योंकि हमारे यहाँ जो सुनाने वाला है, जो वक्ता है या गुरु है या आचार्य है, तो उसके प्रति श्रद्धा को बहुत महत्ता दी है। श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हविहि श्रद्धां भगस्य मूर्धनि। श्रद्धा जो है वो भगस्य मूर्धनि, ऐश्वर्य की मूर्धा के ऊपर श्रद्धा को ही रखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यज्ञ भी यदि करना है ना, तो श्रद्धा से ही अग्नि जलानी चाहिए, श्रद्धा से हवि देनी चाहिए, श्रद्धा से संकल्प करना चाहिए। श्रद्धा बहुत जरूरी है। अगर किसी मनुष्य की तो बात छोड़ो भाई, यहाँ तो हमारे देश में तो पत्थर में भी श्रद्धा करके उन्होंने उस चैतन्य को प्राप्त किया। मीरा की श्रद्धा एक मूर्ति में थी। अब जो जिसका माइंड बड़ा तार्किक है वो बोले पागल हो गई कि मूर्ति को दूध पिला रही है, मूर्ति के आगे नाच रही है, मूर्ति को सर्वस्व कह रही है। और मीरा से कोई पूछे ये बात तो वो बोलेगी कि तुम मनुष्य हो या पत्थर हो, तुम्हें ये मूर्ति दिख रही है, ये तो साक्षात मेरे कृष्ण भगवान है। तो जो सच्ची प्रीति होती है वो इस ब्रह्मांड के किसी भी कण से उसको उत्तर मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और यदि प्रीति श्रद्धा नहीं है तो साक्षात ब्रह्म भी यदि धरती पे उतर आए ना, तो ये कुतर्क करने वाला व्यक्ति उसको भी वापस भेज देगा, दो चार उसकी कमियां ढूंढ करके, छिद्रन्वेषण करने वाले वो ये क्या हमें बताएंगे, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, इनको तो हमने देखा है। तो ये श्रद्धा दूसरे के लिए नहीं है, आप उसके छिद्रन्वेषण मत करो, ये श्रद्धा हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। अपने चित्त का शोधन करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए हमें किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर तो उस श्रद्धा को स्थापित करना ही पड़ेगा। तो वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, या अन्य कोई, हमारे गुरु भी नहीं है पर हमारी दृष्टि में वो कोई अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, किसी अन्य संप्रदाय के व्यक्ति हो सकते, कोई भी हो सकता है। तो उसमें ये कहा जाता है कि भाई जड़ की अपेक्षा चेतन है, उसमें आपको थोड़ी सुविधा रहेगी, क्योंकि जड़ आपको बोल नहीं सकता है, चेतन आपके डाउट्स को सुन सकता है और बता सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में गुरु को इतनी महत्ता दी जाती है। तो यहाँ भी इन्होंने बताया वाच के प्रीति मापन्ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा न अत्र कार्या विचारणः। हे विप्रजनो विप्रेन्द्रः प्रीता भवन्ति, उनकी प्रीति भगवान से ही हो गई ये समझ लो, इसमें आप संशय मत करना। जिसकी अपने गुरु में प्रीति हो गई, आचार्य में प्रीति हो गई, तो समझ लो भगवान में ही प्रीति हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं कथा कोई सुना रहा है उसमें अगर आपकी प्रीति हो गई तो ब्रह्मा में ही प्रीति हो गई, और उसको फिर सुनने के बाद खूब दक्षिणा देनी चाहिए। तो आप ये मत सोचना कि मतलब मैं आपको सुना रही हूँ तो मैं आपसे दक्षिणा लेने के लिए, ये जो यहाँ कहा है वो मैं सुना रही हूँ। बात इतनी ही है कि जिससे कुछ सीखा जाता है तो उसके प्रति कृतज्ञ हुआ जाता है, चाहे हम साक्षात तो उस व्यक्ति से ना सीखें, किसी माध्यम से, चैनल के माध्यम से सीखें। तो एकलव्य ने सीखा था तो गुरु द्रोणाचार्य को तो पता भी नहीं था, उन्होंने तो उनकी मूर्ति से सीखा था ना, पर वो जब जंगल में गए और उनकी धनुर्विद्या का वो पराक्रम देखा, कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण लग गए कि वो भोंक नहीं पा रहा है, लेकिन चोट रक्त की एक बूंद नहीं आई, तो उन्होंने फिर ढूंढा कि भाई ऐसा कौन धनुर्धर हो सकता है, ये विद्या तो मैंने भी नहीं सिखाई थी अर्जुन को। और ढूंढते हुए वहां एकलव्य के पास पहुंचे तो पता लगा कि मेरी ही मूर्ति बना के इन्होंने सीखा है। तो बोले मेरी मूर्ति बना के यदि सीखा है तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो भले आदमी, आपने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ाया था,
सीखा तो उसने मूर्ति से है ना, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी थी कि उसने कहा कि मैं इसमें मूर्ति नहीं देखता था, आपको ही देखता था, इसलिए उसने अपना राइट हैंड का अंगूठा दे दिया। वो भले ही आगे धनुष नहीं चला पाए होंगे, शायद बाण नहीं चला पाए होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ अर्जुन का नाम आएगा, एकलव्य को कोई भूल नहीं सकता है। तो ये श्रद्धा की बात है। तो जिससे हमने कुछ सीखा है उनके प्रति, चाहे हमने अपने स्कूल के टीचर से ही कोई अच्छी बात सीखी हो, चाहे हमने गांव के किसी किसान से, गरीब से ही सीखा हो, उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ये आगे महिमा बता रहे हैं, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। सी सब नाते इससे सभी सुहाते, हरि के नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप स्वार्थ बिना जो सबकी सुख में वो जन हरि को भाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, हरि के नाते से सब ना इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, श्री